जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप बॉक्स के बारे में। दोस्तों इसको ये जो ये है इसको टॉप बॉक्स बोलते हैं, और साइड में जो होती है उसको डिग्गी बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों डिग्गी का क्या इशू रहता है कि जब आप बाइक को ट्रैफिक में से कट कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरती है, ठीक है ना दोस्तों। को जो पीछे जो व्यक्ति जो बैठता है, पीछे जो पर्सन बैठता है उसको भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ। किसी भी साइड आप डिग्गी लगवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, और जब आप इसको कोई शार्प कट ले रहे हैं तो किसी कार में लग सकता है, किसी एक्सपेंसिव कार में लग सकता है। तो और दोस्तों उसके साथ इश्यूज रहते हैं उसके साथ, और उसमें स्पेस भी इतनी नहीं आती है और इश्यूज भी उसके साथ काफ़ी सारे रहते हैं। और इनकेस अगर आप हाथ अगर आप छोड़ेंगे ना 2 मिनट का बाइक का, तो उसका बैलेंस थोड़ा सा बाइक उस साइड जाती है जिस साइड आपकी डिग्गी लगी होती है। बट दोस्तों अगर आप टॉप बॉक्स लगवाते हैं तो ये सेंटर में इसका वेट रहता है, इसका बैलेंस रहता है, तो आप हाइट छोड़ते भी हैं तो बाइक सेंटर में ही रहती है। और दोस्तों ये किसी से लगता भी नहीं है, किसी गाड़ी में लगने का भी इसका कोई ख़तरा नहीं होता, और देखने में भी लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। उसमें सामान भी काफ़ी सारा आ जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको आपको सब साइड से दिखा देता हूँ। ये है सबसे पहले दोस्तों इसको लगवाने में क्या किया जाता है कि आपको ये एक ये अलग से ये इंस्टॉल करवाना होता है, ठीक है। ये आप इंस्टॉल करवा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये आपने लगा दिया, अब ये अपनी जगह पे सेट हो गया। उसके ऊपर ये टॉप बॉक्स आप लगवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। कई सारे ब्रांड्स के आते हैं टॉप बॉक्स, आते हैं स्टड्स का आता है, और भी ब्रांड्स के आते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से है दोस्तों। दोस्तों इस टॉप बॉक्स के अंदर आप अपना टूल किट रख सकते हैं, अपने 2 ट्यूब्स रख सकते हैं आगे पीछे के टायर के, क्योंकि इनकेस अगर बाइक पंचर हो जाती है तो आपको पता है दोस्तों लोकल ट्यूब्स मिलते हैं और बहुत परेशानी आती है, फिर वो डबल पैसे आपसे चार्ज करते हैं। तो आपके पास ट्यूब्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आप इसमें अपना ट्यूब्स रखिए, अपनी टूल किट रखिए, अपने गॉगल्स रखिए, अपने पानी की एक बॉटल रखिए, एक टिफ़न कुछ खाने पीने का अपना स्नैक रखिए, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने ग्लव्स इसमें डाल सकते हैं, आप इवन इसमें अपना हेलमेट डाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप कुछ सामान अपने साथ कैरी करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, वो आप सब सामान इसमें आप अपना अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ मैंने इसमें मैं क्या क्या सामान रखा हुआ है। और ये दोस्तों ये होना बहुत ज़रूरी है बाइक में, मेरे हिसाब से तो होना ज़रूरी है। पानी की बॉटल है दोस्तों मेरे पास। दोस्तों ये मैंने 2 ट्यूब्स रखी हुई हैं बबल रैप करके, ताकि इसमें कुछ पंचर वगैरह कुछ भी ना हो, बबल रैप कर रखा है मैंने इसको, और डक्ट टेप से इसको मैंने सील कर रखा है। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास कुछ टूल किट्स वगैरह पड़ी हैं, ठीक है टूल किट्स पड़ी हैं, और मैंने इस तरह से इसको जो किचन क्लोथ होता है उसको रोल करके और उस पर रबर बैंड चढ़ाया हुआ है, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें से शोर ना हो, ठीक है दोस्तों। उसमें मेरे पास कुछ ये सामान अपना टूल किट्स का सामान बड़ा है ट्रैवलिंग वगैरह का, जब मैं ऑफ रोडिंग वगैरह करता हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें सामान रख रखा है। सब चीज़ आप देख सकते हैं, पंजी रोप है, इसको मैंने रोल कर रखा है इस तरह से। ये मेरे पास एक गॉगल्स का एक बॉक्स है, ये टूल किट का मेरे पास एक बॉक्स है, ये मैंने रखा हुआ है। एक मेरे पास ये हैंड सैनिटाइज़र मेरे पास पड़ा है इसमें, तो दोस्तों और आप इसमें अपने ग्लव्स वगैरह भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अपने ग्लव्स भी डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी सारा सामान दोस्तों आ जाता है। दोस्तों ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं, ये 29 लीटर्स में भी आता है, 39 लीटर्स में भी आता है, 45 लीटर्स में भी आता है, तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। और कई सारे आते हैं जो कि आप इसको रिमूवेबल होते हैं, जैसे कि आप एक सूटकेस होता है ना अपना, आप सूटकेस की तरह इसको निकाल करके भी लेके जा सकते हैं। उस टाइम पे जब मैं गया था दोस्तों लेने के लिए, तो उस टाइम पे वो वाला अवेलेबल नहीं था, तो नेक्स्ट डे मुझे राइडिंग पे जाना था, तो मुझे मजबूरन ये स्टड्स का लेना पड़ा था, वो वाला मैं नहीं ले पाया था क्योंकि वो उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था दोस्तों। पर उस तरह में दोस्तों फ़ायदा ये रहता है, आप एक बटन रहता है, आप बटन को प्रेस कीजिए और वो पूरा का पूरा निकाल करके आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, और फिर वापस आप इसको आके के लगा सकते हैं, तो दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया रहता है। पर वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, आप उसका उसको भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से थम्स अप है। और दोस्तों इसका जो प्राइस था ये मुझे पड़ा था बहुत चीप प्राइस पर पड़ा था, मुझे अराउंड ये 1200 समथिंग का, 1150 या 1250 के अराउंड का पड़ा था दोस्तों इंस्टॉलेशन के साथ में। और ये दोस्तों मैंने करोल बाग से बाय किया था इसको मैंने, तो आप भी इसको ले सकते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया रहता है डिग्गी के कंपैरेटिव बढ़िया रहता है, क्योंकि पहले मैं स्टड्स की डिग्गी यूज़ करता था और दोस्तों बहुत अनकंफर्टेबल होती है डिग्गी वगैरह, पूरा मिस बाइक का बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ता है उसमें, और ये बेस्ट रहता है दोस्तों। काफ़ी सारा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा इसमें सामान आ रखा हुआ है हमने तो। और दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें रिफ्लेक्टर्स भी रहते हैं दोस्तों, पीछे की साइड आप देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टर रहता है, जब इसमें लाइट पड़ती है ना बैक साइड से तो ये शाइन करता है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा हो तो रिफ्लेक्टर रहता है, तो उससे आपको एक्सीडेंट्स वगैरह से भी बचाता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इसको बाय कर सकते हैं, या इससे एडवांस वर्जन भी बाय कर सकते हैं जिसको हम निकाल करके लेके जा सकें।
तो वो भी आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये बहुत काम के, अगर आप ऑन रोडिंग भी हैं डेली अपना डे टू डे कम्यूट करते हैं तो भी ये बहुत बेहतरीन है दोस्तों। टिफ़िन बॉक्स अपना रख लीजिए, पानी की बॉटल रख लीजिए, ग्लव्स वगैरह सारा सामान इसमें आ जाता है। तो मेरी तरफ से थम्स अप है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलते रहें। दोस्तों एक बार को लाइक मत कीजिएगा पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।